अस्सलामुअलैकुम, मेल बॉक्स यूएई स्पेशल में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सो वी हैव अ न्यू एडिशन। हाँ जी, ये हमारे सराइकी आर्टिस्ट है, अकबर बदली इनका नाम है। बदली बादल से? बदली शरीफ वैसे एक शहर है, लेकिन वैसे बदली का मैंने रोल किया था। फर्स्ट फिल्म हमारी आई थी अरमान तलक सराइकी मूवी। आपकी निस्बत फिल्म से है या उस शहर से? फिल्म से सर, अपने कैरेक्टर से। लेकिन तू नवा आया भरा मेरे, ओ भाई जे तेरी ज्यादा तारीफ करे ना तो फिर तेन बहुत ही टेंशन मिलनी है, ये ज़हन च रखनी। जिन्हों कहते ना वेरी नाइस, समझ ला पी ओते असी जो मर्जी करी जाइए अपना नहीं इन्हों पता। हूँ ट्रैक सूट ना गोल्डन घड़ी पाई है, आही असी पाई होंगी तो इन्होंने इन्नी तनकीद करनी सी। बेवकूफ आदमी कौन पहनता है ट्रैक सूट के साथ गोल्डन घड़ी? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं है? तुम्हें ऐ करना सी, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। मेरे लिए तो सभी अजाब है। अफीम अफीम नहीं, अफीम उसका नाम सानू बाद च पता लग गया, उसका नाम अफीम है। अफीम। अच्छा जी, अकबर साहब आपको वेलकम करते हैं। ये बताइए कि आपको अब हम अकबर बुलाएंगे या बदली बुलाएंगे? अकबर भी सर सकते हैं, बदली भी सर सकते हैं, कुछ भी सर ले आप। कोई नहीं, वैसे बदली सर ये ना ठीक है, शॉर्ट खोल के काम कर, कोई नहीं, बेफिक्र हो जा। आ तेरे को बैठे नहीं, तेरे तो बहुत घबराए थे। चलिए अब हम आते हैं मेल बॉक्स की तरफ। जरूरी है पहला कमेंट। सर जी, आप तुसी सैरा करदे पए जे ते असी इत्थे शो नू तरसदे पए आ। किसने कहा मैं सैरिंग करूं? सर इन्होंने कहा है। मैं काम की गरज से जाता आता रहता हूँ, बिल्कुल सैर नहीं कर रहा, बहुत मसरूफ हूँ। आज सारा दिन मैंने कोई तकरीबन 8 घंटे एट अ स्ट्रेच मीटिंग्स का सिलसिला किया, पूरे 8 घंटे। और फिर उसके बाद मैंने एक ये जो रिकॉर्डिंग है ये की है। 10-12 घंटे तो आज मेरे लग जाएंगे इस पे। और नींद आई है मुझे शदीद, भूख लगी है शदीद, और मेरे सामने ये बैठा हुआ है। अजियत दर अजियत दर अजियत। सर मेरा नाम नुमान भट्टी है, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा नाम लाजमी लें अपने शो में। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपको नॉलेज और आपके काम की वजह से जानता हूँ। जी नुमान भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर मैं आपका शो 2010-11 से देख रहा हूँ, मगर इस दफ़ा 2024 में पहली दफ़ा आपका न्यू ईयर शो देखने को नहीं मिला। बहुत अफसोस हुआ, आपके न्यू ईयर शोज़ हमेशा बेहतरीन होते हैं। पिछले साल का भी न्यू ईयर शो नहीं होता क्योंकि हमारा शो बंद हो चुका था उससे पहले। आफ्ताब साहब, आपने एक साइड की बात सुनकर तमाम वीज़ा एजेंट्स को ही फिरौन बना दिया है, प्लीज़ दूसरी साइड की बात भी सुन लिया करें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। हाँ तो मैंने कब कहा कि सारे के सारे फिरौन हैं? मैंने तो नहीं कहा। अब विलन एक ही होता है ना, अगर एक फिल्म है उसमें एक वडेरा विलन है तो क्या इसका मतलब है सारे वडेरे विलन है? नो मोर क्वेश्चन। ये बात तो इस जैसा घामड़ भी समझ सकते हैं। सादा कह रहा घामड़ जरूर नाल कहना ही तो। यार घामड़ का है भाई? ये की है वैसे कोई बता तो, मतलब अगर तुम पता ही नहीं है तो फिर तुम घामड़ ही हो। अगर तुम्हें मालूम ही नहीं तो फिर तुम घामड़ हो। घामड़ क्या सर, तुम्हारे वाला मैं आगे बताया हुआ, मैं कोड़ो नहीं किया। वो घामड़ और है, ये घामड़ का है भाई। ये सारे कौन होता है बंदा? घामड़ जालिम नहीं होता, बखुदा नहीं होता। बस हम भी बारी कह दे होता तो इंसान है ना सर? नहीं, एक अहमक इंसान होता है। अहमक वो वेरी गुड। कल्ला हामद रगीला ना सी, तेरा नाम बद गया, हुण अहमक भी नाल लग गया। तरक्की हो गई। अल्लाह। ये कमेंट प्रोफेसर लियाकत अजीम की तरफ से किया गया है कि वीजा एजेंट वाले शो में आफताब साहब ने एक ही इकामा को अकामा का, हाँ इकामा को बार बार आपने अकामा पढ़ा। हाँ जी, मैं माजरत खाऊं जी सर, तुहाडे तो भी पढ़े लिखे लोग ने। हाँ ये तो हमारा प्रोफेसर। अच्छा जी सर, तो छड गए ने? हाँ जी, आजकल वो दागे मुफरकत दे गए हमें, लेकिन हमारे साथ लुकन मीठी खेलते रहते हैं। अच्छा, दागे मफारकत की है, दागे मफारकत की है, ये है कि ये वैसे सर दागे मफारकत होता है जब आपसे दूर कोई हो जाए ना, तो दूरी का जख्म दे जाता है जब।
ਦਾਗੇ ਮਕਾਰਫ ਦਾਗੇ ਦਾਗੇ ਨਹੀਂ ਦਾਗ ਦਾਗੇ ਮਫਾਰ ਮਕਾਰਫ ਮਫਾਰਕਤ ਮਰਫਾਕਤ ਅੱਲਾ ਵਕੀ ਕਸੂਰ ਚੁੜੈਲ ਵਰਲਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ खिलने का मतलब सरैकी लाके ड्रामा करन गया मैनूं नहीं पता खीर कहिंदे ने दुध नूं मैनूं कहिंदा खीर पीसो मैं कहा खीर ते खाई गई है की कहिण डे पीसो इतनी पतली बनाई फिर वह मैनू कहिंदा कि मैं गिलास पीता तो कहिंदा बिया गिलास दियो मैं कहा भाई मैं ताज़ा पीना मैं बिया नहीं बिया के मतलब एक और दे बाद में मैनू पता चलिया फिर सर आप अपना बिजनेस तो बढ़ा ही रहे हैं वीज़ा कंसल्टेंसी का काम भी शुरू कर दें ताकि जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहें उनके लिए आसानी हो और वो ऑनलाइन आपकी खिदमात हासिल कर सकें नहीं भाई ये मेरा काम नहीं है बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं बड़े मसाइल हैं बड़े मामलात हैं और इसके स्पेशलिस्ट मौजूद हैं ये उन्हीं को काम जेब देता है मुझे इतना नहीं पता बहुत कम पता है इन चीज़ों के बारे में मैं निशानदेही कर सकता हूँ मसाइल क्या हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं उनका तदारक कैसे हो सकता है लेकिन ये जो किसी को गाइड करना किसी को एजुकेट करना और उसके लिए जो बैकग्राउंड है ना जो एक मखसूस किस्म का इल्म है चीज़ों का लॉ का इमिग्रेशन का मैं उस तरफ से काफ़ी कोरा हूँ मुझसे तो बहुत ज़्यादा पता ज़िया को है मोहसिन को पता है वलीद अल अली को पता है सर एजेंट वाले प्रोग्राम में आपका आखिरी जुमला पूरे प्रोग्राम की रूह था रोंगटे खड़े हो गए जी ऐसा ही है मैंने खुद महसूस किया था कि ये क्या सरजद हो गया मुझसे वाकई बड़ा लुत्फ आया था ये करते हुए भी इसे देखते हुए भी ये अता होती है अल्लाह ताला की ये प्लान नहीं था लेकिन उसी वक्त सुझा और बहुत खूबसूरत बरमहल चीज़ अल्लाह ने अता की राशिद और हामिद की परफॉर्मेंस से लग रहा है कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं एक तो घोड़ा एक लंबी रेस का गेंडा तो नहीं कहा दिल्ली पे आपको चुप पे तुम्हें तो नहीं कहा यार तुम चुप कर दू नवा नवा आ गया घबराया फिर तू इनियां तो साडियां नहीं लगदियां जिन्नियां तू शुरू कीती हैं आपको लग रहे हैं वो घबराए हुए नहीं मैं कह रहा घबरा के रह नींद नहीं इस टाइम कुछ होर चल रहा है इसलिए तू मेरा पुत्र ना तेरा हौली हौली जिदन पहले दिन सानू सोटिया ना मार पई ना असी उदन भी यही समझे साडी बेहतरी लई सारा कुछ हो रहा है तो तुम्हारी बेहतरी के लिए पड़ी होगी कैसा उर्दू च किड्डे आराम नाल कुटिया भी ते तुम्हारी बेहतरी लई हो रहा था सब कुछ अशो तो डेढ़ घंटे बाद तेरे भी पैने ने ये मैंने नहीं मारा था मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे उस्ताद ने जो बचपन में तुम्हें मारा होगा मेरे उस्ताद ने हाँ जी उस्ताद जी ये केड़ा काम है जेड़ा शो बिज़ दा काम है ना इस कदों को टूल लाना दसदा नहीं नहीं किसी और काम तुम हाँ, थोड़े काम कर रहे हो कूलर दा काम वो मेरे को गलती ये हुई कि मैनू ना भंग वाले पकौड़े किसी ने खवाते तो जेड़ा गीजर होंदा ना लगा हमाम दे विच उहदे उत्ते कवर नहीं होंदा वो कल्ला ही बनाउणा पैंदा तो वह मैनू उन्हें हासे हासे नाल दी दुकान वाले ने खुआते ने तीन चार पकौड़े वो मेरे उस्ताद ने कहा इनू टैंकी घोड़ी से चढ़ा के ना 14 इंच कट दे इनू तो 4 इंच कट दे मैं आफ्ताब साहब 14 इंच कट दिता जे तो 4 इंच कट दे तो आखिरी लम्हा चल रहे ने मैं उत्ते बह के उन्हें ठा ठा कर रहा तो आ गए उस्ताद कहिंदा रुक रुक की कर रहे हैं मैं कहा जी तुसीं आप ही कह के गए कहिंदा इंची टेप ना नापिया सी मैं कहा हाँ जी कहिंदा मैं तो तैनू 14 इंच कह के गया तो 4 इंच से तू 14 इंच कट दिता एदा हुण की करना है उत्तर थले
ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਨ ਫੜੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਸਲ ਨਹੀਂ ਫੜਾਏ ਕੰਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਉੱਤੋਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗਿਆ 300 ਰੁਪਏ ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੀਜ਼ਰ ਬਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੀਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਸਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਖਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਪੰਪ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਖਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਛਾਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੀਦ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਵੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, 2.25 ਸੂਤਰ ਮੋਟੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੈਣੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ। ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਅਭੀ ਕੋ ਪੰਚ ਆਏਗਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਬੇਵਕੂਫ, ਕੀ ਸੋਚ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੜਾਇਆ ਯਾਰ, ਚੇਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਤਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਆ ਵੈਸੇ 6 ਇੰਚ ਇੱਧਰ ਕੋ ਕਾਟੋ, ਆ ਬੁਲਾਈ ਕਰੋ ਇਸ ਕੀ, ਆ ਇਸ ਕੋ ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਟੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਓਹੋ ਬਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੰਚ ਆਈ, ਹੁਣੇ ਪੰਚ ਆਈ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਡੱਟ ਗਈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੋਕਤੇ, ਪੂਰਾ ਗੀਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਮੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮਾਮਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਣ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਪਾਸ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਲਾਹੌਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਨੀਚੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੀਜ਼ਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਬਰੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਗੈਸ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰੀ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਾਂ ਦੁਕਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਨਾ, ਬਾਤ ਸੁਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਹਮ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ। ਜੀ, ਕੈਰੀ ਓਨ। ਸਰ, ਮੇਰੇ 8 ਸਾਲਾ ਤਜਰਬੇ ਮੇਂ ਕਭੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਮੱਛਲੀ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾਬ ਕੋ ਗੰਦਾ ਕਰਦੀ ਥੀ। ਜੀ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕਾ ਸੈਟ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਸੇ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹਸਾਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰਤੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਤੁਮ ਸਾਥ ਯੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਸੀ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਬ ਹੋਵੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤਲਬ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਸੇ। ਸਰ, ਵੈਸੇ ਸੈੱਟ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5-6 ਦਿਨ। 5-6 ਦਿਨ? 5-6 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰ 5 ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ, 5 ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੀਓ ਤਿਆਰ ਥੀ ਵੈਸੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
I think Rashid Kamal may be part of Indian Punjab movie soon. ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਮਾਲ ਜਲਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਫਿਲਮੋਂ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ सर मैं इकबाल कश्मीरी का नवासा हूँ जो कि पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने बनारसी ठग जिद्दी घर कब आओगे जैसी फिल्में बनाई प्लीज़ कभी उनका जिक्र भी कीजिए मैंने जिद्दी भी देखी है बनारसी ठग भी देखी है दोनों बहुत अच्छी फिल्में थी जिद्दी की एक खसूसियत थी okay. उसमें जमरद एज हेरोइन थी और मेरा ख्याल दैट वाज द ओनली मूवी एक ही फिल्म में आई जी जी यूसुफ खान साहब दी है ना यूसुफ खान वे मैं नाल 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 तेरे नाल नाल नाल, नाल वे मैं वही है ना मैं तेरे हान दी पगड़ा ते तेरे हान दी दुनिया जान दी तू है मेरा गहना तेरे नाल 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 यार मैं वैसे सोच नहीं सकता था कि इस नींद के आलम में भी मुझे याद आ जाएगा गाना तो सर तुसी सुते आ पे अगले ने दस देंदे हो कि ये फला सन में खुदा दी कसम असी की चेजा कर रहा है की किरदार होया यानी मैं इत्थे आने तो पहलो भी इन्हां दे पसंदीदा मतलब सही शो मैं देखदा सी के यार है की बंदा है हर गल का पता है हर गल का पता है वह मैनू एक दुख है कि काजू खाने इन्होंने छड़ते ने साढ़े सामने उत्थे तो है लपे भर भर सुटते खाते हैं अभी भी खाते चोरी साढ़े तो खाते ने नहीं यहाँ पे गर्मी इतनी होती यहाँ पे नहीं खाने का एक दिन मैंने दाल विखा रहे थे मैं कहो तो मैं झंग बाजारों भी खा सकता दाल सेवियाँ ने हूँ वह खान डे नहीं तो वो खसूसी वाले काजू नहीं खाए आपने जो स्पेशल आते हैं वो कल भी एक केक जिया खादा इन्होंने कल ही खा गए ना ना काजू स्पेशल जो काजू वो चॉकलेट खादा जेड़ा नहीं ग्रेनोला बार काइंड ओ वो तो वो भी अगो मोल नहीं लिया कहता ये जहाज में मिला था सर मैं बब्बू का बहुत बड़ा फैन था मगर हामिद रंगीला की शक्ल में बेहतर और अपडेटेड बब्बू देने का शुक्रिया बब्बू का जहां और है हामिद का जहां और सर आप डायरेक्शन के पेड कोर्सेज बनाएं और वो पेटर्न्स के लिए मुहैया कर दें ताकि जो नॉलेज आपके पास है वो बाकियों तक भी पहुंच जाए ना कि हकीमों की तरह अपने सीने में रखें बिल्कुल ठीक उन्हें बंदे ने किया मैं वक्तन फवक्तन चीज़ों का तस्करा करता रहता हूँ यही है डायरेक्शन बस डायरेक्शन में कोई और मसला फीसा गौरस नहीं है इन्हों की डायरेक्शन से जो बंद काम करेगा वह तो बंद करो माँ कहेगा लै मैं दुआ दे मैं सही सलामत रव हाँ इन्होंने उन्नी देर जान छड़नी नहीं जिनी देर इन्हों ये ना लगा कि भी ओके सीन है हूँ यह पहलो आप तसली करते हैं फिर आवाम के अगे वो इसलिए कि सीन मेरा है हाँ जी हाँ जी जी आपने तो सिर्फ परफॉर्म करना है ना कंसीव मैंने किया है नाम मेरा चलना मैं सिर्फ छेड़ना सी इन्होंने अगों देखी हूँ कि गल लेकिन कई दफ़ा इंतहाई बसड्डी सीन भी होते हैं इंतहाई थर्ड क्लास सीन भी होते हैं सर जिस तरह आपने आर्टिस्टों को अपने सामने बिठा कर सबक पढ़ाया हमारी भी ख्वाहिश है कि आपके सामने बैठ कर सीखें बहुत अच्छा लगा चलिए अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करे नेक्स्ट आफताब साहब ने स्टेज अदाकारों के मरते हुए किरदारों को ट्रेनिंग दी और दोबारा जान डाल दी बहुत बड़ी खिदमत है इनको जीने की किरण दी हाँ ये गल वाकई जैनवन है मैं आगे भी कई बार गल कर चुके हैं बड़ी जगह पर कि अमान साहब एक हिसाब से वो तो ईजी लाइफ हो गए थे स्टेज की दुनिया तो सही गल तो उन्होंने इन्होंने जगाया है बाद देविच असी आप देखते रहे कि सानू दुख हुंदा सी कि यार ये की करन डए ने लोग कि अमान साहब के शिगिरद की फोटो उत्ते लगी है वड्डी तो अमान साहब नू थले मुंडियां च लै आंदा जिहड़े शुरू तो एंट्रियां करदे ने तो सानू बड़ा दुख हुंदा सी कि यार असी तो इन्हों देख के आए इस फील्ड दे विच तो ये की करन डए ने लोग तो वो इन्हों क्रैडिट इन्होंने दोबारा उन्होंने जगाया नहीं तो मान साहब तो कदों के ईजी लाइफ हो गए फिर वो ऐसा जागे वो फिर यहोजे जागे ने उन्होंने फिर एंड लाया अस्सलाम वालेकुम आई ऑलवेज वॉच योर ईच एंड एवरी शो वेरी क्लोजली सिंस यू स्टार्टेड नो डाउट यू आर अ ग्रेट राइटर डायरेक्टर एंड अ किंग मेकर यू ऑल्सो हैव अ ग्रेट को होस्ट आई परफॉर्म विद अंकल सरगम इन कलियाँ ऑलमोस्ट 25 years ago
या ऑलमोस्ट 25 ईयर्स में भी इतने टेन्योर के लिए. एंड ऑल्सो इन ड्रामा सीरीज गेस्ट हाउस एज बाऊ नवीद आई गॉट अ लॉट ऑफ वंडरफुल मेमोरीज फ्रॉम वॉचिंग योर शोज. नासिर इकबाल. बाऊ नवीद बड़ा प्यारा था, बड़ा ही प्यारा, वो मूंछों वाला. नासिर इकबाल वो जो काउंटर पे खड़े होते होंगे सी वही ना. हां उसका जो मुलाजिम होता है ना, बड़ा ही प्यारा था बाऊ नवीद. सो दिस इज इनका नाम. ये अमेरिका में रहते हैं. हां जी, डैलस से कमेंट कर रहे हैं नासिर इकबाल साहब. डैलस में टेक्सास. या बाऊ नवीद साहब, मैं डैलस आ रहा हूं इंशाल्लाह इन 3 वीक्स टाइम, तो आपसे तो मुलाकात होनी चाहिए. नहीं वाकई वो रावलपिंडी देने वैसे. हाँ जी वाकई बड़े पिंडीवाल नफीस अदाकार. इन्होंने सर एक और कमेंट में कहा है कि आई वांट टू जॉइन आफ्ताब साहब शो, आई लिव इन टेक्सास एंड आई कैन कम टू दुबई, काइंडली कन्वे माय सलाम टू आफ्ताब साहब. चलें, वालेकुम सलाम, और इनके साथ इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी डैलस में. की तरह तो अलावा भी कोई काम किया तुझे? मैं मांगता भी रहा भाई. वो तो तू हूँ भी मंगता. मैंने काम तो जिंदगी दे बड़े ऐसे जगह पर बह के पहला यही इंटरव्यू होया सी. की करता सी तू? तू नैश चड़ेल दे बचे इतने यही गल्ला हुई पहले शो ते भी. मैं गीजरां दा भी किया, गोलगप्पे भी प्यो ना वेचे ने, लूमा दा काम किया, बीम भर्ती दा जिहड़ा बह के धागे फड़ाउंदे वह भी काम किया. और तैनूं पता तेरे नैनक सी किदां दे? किस तरह दे? तेरे उस चड़ेल वर्गे नैनक सी जिहदे छोटी उम्र दे बंदे नाल शादी हो जांदी ते बड़ी खुश हुंदी जिंगा लल्ला हू जिंगा लल्ला हू. पहले तो चड़ेल जिंगा लाला हू कर दी. वो चड़ेल कुछ भी कर सकती है, जी चड़ेल जो आ जो मर्जी करे उन्होंने किने रोकना, वो तो चड़ेल आ. सही बात है. अच्छा मुझे हंसी पता है किस पे आ जी? जी अपनी कस्मा कुर्सी पे. कस्मा कुर्सी पे?